हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मैं रूबी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल स्ट्रगलिंग गर्ल रूबी गुप्ता ब्लॉग में। आज हम सब क्रिस्पी मेयो बॉल्स खाएंगे, जो बनाने में आसान तो है ही, खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम पोटैटो, जिसे मैंने बॉयल करके छील लिया है, और अब हम इसे मैश करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून ओरिगेनो, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, सॉल्ट एज फॉर टेस्ट, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अब सारे मसालों को अच्छे से आलू में मिक्स करेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम सेलरी बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और पानी, 1/2 टेबल स्पून हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसके लम्प्स को हटाना है। अब हम मसाले वाले आलू का बॉल बनाएंगे और इसमें मेयो फिल करेंगे। अब हम इसे सेलरी में डिप करेंगे, जो कॉर्नफ्लोर और पानी से बना हुआ था। फिर इस पे हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। इस वीडियो में एक ट्विस्ट है, आप देख तो रहे ही होंगे, कटे हुए पेड़ में भी पौधा निकल आया है। इसी तरह से जीवन इसी का नाम है, इसलिए हार ना माने। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मैंने सारे बॉल्स ऐसे ही रेडी कर लिए हैं। अब हम एक पैन में तेल को गर्म करेंगे और इसमें जो हमने ब्रेड क्रम्स करके बॉल तैयार किए थे, उसे हम डाल के उसे फ्राई करेंगे। इसे हमें अदर साइड से भी फ्राई करना है, जिससे ये बॉल्स चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए और इस पे जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे। हम इसे तैयार है आपका क्रिस्पी मेयो बॉल्स। ऊपर से तो ये क्रंची है, लेकिन अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट है। देखिए कितना क्रंची, इसकी आवाज भी आपको सुनाई दे रहा होगा, और कितना डिलीशियस है ये, ऊपर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।